पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रहे दो हिंदू परिवार ने पाकिस्तान से पलायन कर भारत आ गए हैं, जिसके बाद दो परिवार के 14 लोग दिल्ली से चित्रकूट में शरण ले ली है, जबकि दोनों हिंदू परिवार के लोगों का वीजा खत्म हो गया है। बावजूद इसके चित्रकूट के समाज सेवी के माध्यम से चोरी छुपे यह दोनों परिवार चित्रकूट में शरण लेकर रह रहे हैं, जिसकी भनक चित्रकूट की पुलिस और LIO को भी नहीं है। आपको बता दें कि यह परिवार शहर कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में समाज सेवी कमलेश के घर पर रुका हुआ है, जहां पाकिस्तानी नागरिक या हिंदू परिवार ने बताया है कि वह पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में महंगाई के चलते उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा था और वहां हमेशा हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू परिवार के प्रति पाकिस्तान में माहौल को देखकर वह लोगों ने पाकिस्तान से पलायन करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद राकेश कुमार और मंगल राजपूत के दोनों हिंदू परिवार अपने 14 लोगों के साथ पाकिस्तान से वीजा लेकर इंडिया आ गए हैं। वह पाकिस्तान के कराची के कुरंगी शहर में रहते थे, जहां वह लोग गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते थे। जून के महीने में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था और ट्रेन के माध्यम से लाहौर पहुंचे, जहां टैक्सी से बाघा बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया बॉर्डर पहुंचे, जहां वह लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली में भाटी मैंस में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, जहां उनका 45 दिनों का वीजा खत्म हो गया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के MBC में वीजा रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया और सोशल मीडिया में चित्रकूट के रहने वाले समाज सेवी कमलेश की वीडियो देखा, जिसके बाद समाज सेवी से हिंदू परिवार ने उनसे संपर्क किया और उनकी मदद के लिए समाज सेवी कमलेश दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान नागरिक हिंदू परिवार को चित्रकूट लाने के लिए MBC में अपना शपथ पत्र देकर कल रात चित्रकूट ले आया है। जहां पाकिस्तान कराची का रहने वाला था और मैं लीगल वीजा पे आया हूं यहां दिल्ली में। कराची में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाए थे, फिर सखर से मैंने वीजा अप्लाई कराया, फिर वहां से ट्रेन से चल के लाहौर तक आए, फिर वहां से हम अमृतसर आए। 16 तारीख को हमने बॉर्डर क्रॉस किया, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया हमने, फिर हम अमृतसर से न्यू दिल्ली आए, फिर न्यू दिल्ली से भाटी मानसर। तो पाकिस्तान से आने की वजह क्या रही, क्यों आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया? देखें, पाकिस्तान के हालात महंगाई की वजह से काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं, वहाँ के हालात की वजह से कुछ छोड़ रहे हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ सोच के आए हैं यहाँ पे। रास्ते मत छोड़ो, विनती है यहाँ के CM योगी सर जी को और यहाँ के वज़ीर आज़म साहब को कि हमारा जितनी जल्दी हो सके हमें नागरिकता और यहाँ पे बसने की इजाज़त दे। कितने लोग आए आप लोग वहाँ से? हम दो परिवार आए हैं, हम 14 लोग एक आए हैं और 7 लोग हमसे पहले हैं, 14 लोग हम बाद में। पाकिस्तान की महंगाई से परेशान होकर पाकिस्तान के कराची के रहने वाले दो परिवार चित्रकूट रहने के लिए आ गए हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और उनको रोजगार भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से वहां से 21 लोग, दो परिवार के लोग वहां से दिल्ली के भाटिया माइंस पहुंचे थे, जहां वो लोग रह रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से चित्रकूट के एक समाज सेवी की मदद से वह चित्रकूट में रहने के लिए आए हैं और वह यहीं बसने के लिए सरकार से नागरिकता देने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इनका वीजा खत्म हो गया था, लेकिन इस परिवार ने दिल्ली के MBC में वीजा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनको नागरिकता देने की मांग की है, जिससे वह लोग यहां बस सके। इसके साथ ही यह पीड़ित परिवार ने पाकिस्तान में पूरे हालात के दुख को भी बयां किया है और उन्होंने कहा कि वहां की सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव का व्यवहार करती है। फिलहाल यह परिवार चित्रकूट के संग्रामपुर में रह रहा है। अखिलेश सोनकर, न्यूज 18, चित्रकूट।